हार्दिक यहाँ पे लिख रहा है 51, तो पहले इसने 51 को प्रेस किया, तो बस इसको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देनी होती है, सामने बैठना होता है, बाकी ये खुद ही कर लेता है। अभी राइटिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हार्दिक जो है 52 बना रहा है अभी। और अब यहाँ पे ये जो है खुद लिख रहा है इस बॉक्स में 52। बच्चों से थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, दैट इज नॉट मैटर, बट कोशिश होना बहुत बड़ी बात है। अभी इसको पेंसिल होल्ड करना ढंग से नहीं आता है। मेरी कोशिश ये है कि इसको मैं पेंसिल सही से पकड़ना सिखाऊं, डेली यही कोशिश रहती है, बट फिर भी ये जो है हार्दिक ऊपर से थोड़ा पेंसिल पकड़ लेता है। फिर भी देखिए इसने 5 भी अच्छा बनाया है, 3 भी इसने अच्छा बनाया है। अब ये यहाँ पे बना रहा है 55 ट्रेस कर रहा है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है ये बच्चा लिखता है। जब कंसंट्रेशन इसका रहता है तो रहता है, और कोशिश करता है कि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा वर्क करूं, लेकिन जब इसका ध्यान भ्रमित हो जाता है, इधर उधर किसी चीज़ पे, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी बच्चे के सामने ताकि वो अपना कंसंट्रेशन बना सके। अब इसने 55 भी बढ़िया बना दिया है, तो धीरे धीरे जो है इस तरीके से राइटिंग में सुधार के लिए तो मैं बाद में सोचूंगी, पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ना सही से और लिखना आ जाए, तो राइटिंग में तो पूरे उम्र भरी वर्क होता रहता है। तो अच्छा है कि ये खुद ही, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये खुद ही एक बार फिगर देख लेता है और उसको लिखना शुरू कर देता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्री बच्चे होते हैं, जो वो बुक पड़ी हुई थी एक मेरे पास, तो वो फिर नहीं करवाई थी, तो ये भी अच्छी एक्टिविटी है। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं राइट कर पा रहा है लाइनों में, छोटा छोटा नहीं लिख पा रहा है, तो आप इस तरीके की बुक बाय कीजिए जिसमें इस तरीके के पैटर्न दिए हों। ये अप एंड डाउन करना हार्दिक को बहुत पसंद है।